हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ह्यूज नायका हॉल। बेसिकली ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूं, और साथ में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मंगाए हैं, तो इन्हें इस समर में मैं ट्राई करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शैम्पू से। मैं यूज़ करती हूँ पैंटीन का ये 2-in-1 सॉल्यूशन। गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से मेरा स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है। मुझे हर अल्टरनेट डे या फ्रिक्वेंटली मुझे अपना हेड वॉश करना ही पड़ता है, जिसके लिए मुझे कुछ ऐसा शैम्पू चाहिए था जो मेरे बजट में भी हो और क्वान्टिटी में भी ज़्यादा हो और मेरे हेयर्स को भी डैमेज ना करे। इसलिए मैं ये पैंटीन का हेयर फॉल सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ। दिस इज़ 2-in-1। ये मेरे बालों को अच्छे से स्कैल्प से ऑयल भी रिमूव कर देता है और साथ ही साथ मेरे बालों को ड्राई और फ्रिजी भी नहीं करता है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसके एक लीटर का प्राइस है 800 रुपीज़। ये आराम से 2 महीने चल जाता है। इसे मैं, मेरी सिस्टर और माय मॉम, हम तीनों ही इसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए मुझे पसंद है कि इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और 2 महीने आराम से चलता है। शैम्पू के बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि ये दोनों हैं कंडीशनर। एक है लॉरियल का और दूसरा है ट्रेसमे का। लॉरियल का ये हाइलुरॉन मॉइस्चराइजर वाला कंडीशनर है। 72 hour मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर है ये। इट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसे लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ही हाइड्रेटेड और स्मूथ और फ्रिज फ्री हो जाते हैं। इसका प्राइस है 224 रुपीज़। और जो ये कैरेटिन स्मूथ ट्रेसमे का है, ये 335 ml का है और इसका प्राइस है 316 रुपीज़। ये दोनों ही कंडीशनर 2 months चलते हैं। ये वाला मेरा फेवरेट है और ये मेरी मॉम और मेरी सिस्टर का फेवरेट है, तो इसलिए हम ये 2 मंगवाते हैं। लॉरियल का जो ये मैंने कंडीशनर मंगवाया था, तो इसके साथ मुझे ये एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क फ्री आया है, तो मेरे बालों पे तो ये बहुत कम पड़ेगा क्वांटिटी इसकी। तो लीना इसको ट्राई करेगी और बताएगी कि ये कैसा प्रोडक्ट है। हेयर वॉश के बाद बारी आती है बॉडी वॉश की। समर्स में बॉडी एक्ने होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैंने इस बार मंगवाया है डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। ये 180 ml की बॉटल है और प्राइस इसका है 278 रुपीज़। इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि ये दोनों ही एक्सफोलिएटिंग एजेंट हैं, तो आई होप सो कि ये वर्क करना चाहिए। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है मेरे ये शीट मास्क। समर्स में मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिसको मैंने हाइड्रेशन करने के लिए मैंने ये शीट मास्क मंगवाए हैं। एक शीट मास्क का प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन अगर आप 10 ऑर्डर करते हैं तो ये आपको ओनली पड़ेगी 500 रुपीज़ की। यानी कि एक शीट मास्क जो कि आपको सिंगल खरीदने पे 100 रुपीज़ की मिल रही थी, वो आपको अब मिल रही है 50 रुपीज़ में। तो ये डील मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने एक साथ 10 शीट मास्क अलग अलग वेरियंट के हर के 2-2 मंगाए हैं सेट। ये गुलाब वाली हैं, राइस वाली हैं, गोल्ड वाली भी है और कोजी बेरी वाली। ये सारी वेरिएंट्स मैंने शीट मास्क के मंगवाए हैं, अभी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शीट मास्क हैं, गर्मियों में स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड कर देती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं या शादी में जाना है या टाइम नहीं है आपके पास DIYs करने का, तो आप फटाफट एक शीट मास्क खोलिए और लगाइए और अपने आप को रिफ़्रेश फील करिए। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं इसे रेगुलर हफ्ते में 1-2 बार तो यूज़ करती ही हूँ, तो मैं भी आपको रेकमेंड करती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए इन्हें। समर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेट करती है। मेरी स्किन ऑयली नहीं है, लेकिन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे टी जोन एरिया पे, मेरे फेस पे। दैट्स वाई मेरे लिए मेकअप करना तो जैसे कि इम्पॉसिबल ही है, तो मैं समर्स में मेकअप को कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ। अभी भी मैंने सिर्फ थोड़ा सा आईलाइनर और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। दैट्स वाई आई यूज़ दिस लैक्मे ल्यूमी की क्रीम। ये मेरी स्किन में हल्का सा हाइलाइटर और थोड़ा सा ग्लोई स्किन देती है, तो मुझे ये पसंद है लगाना। इसकी 30 ग्राम की बॉटल का प्राइस है 236 रुपीज़, जो कि अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है और इस तरह की पैकेजिंग में आता है। क्वांटिटी भी सफिशिएंट है, आराम से आपके चलेगी। फोन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है मिनिमलिस्ट का ये सैलिसिलिक एसिड प्लस एलर्जिक क्लेंजर। ये आपकी स्किन से ऑयल और डर्ट को अच्छे से रिमूव कर देता है। मिनिमलिस्ट मेरा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि इस ब्रांड में आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि आपके बजट फ्रेंडली भी होते हैं, आपकी पॉकेट पर हैवी नहीं होते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरी स्किन को सबसे ज़्यादा सूट जो प्रोडक्ट्स करते हैं वो मिनिमलिस्ट के हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, उन्हें ये सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। मिनिमलिस्ट का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये स्किन में सीबम के एक्सेस प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, स्किन में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने से रोकता है। 100 ml की इस बॉटल का प्राइस है 284 रुपीज़। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं है। क्वांटिटी भी अच्छी है इसकी।
क्लिंजर के बाद बारी आती है टोनर की। टोनर भी मैं मिनिमलिस्ट का पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड PHA टोनर यूज़ करती हूँ। दिस इज़ वेरी गुड स्किन में नेचुरल, आपका स्किन बैरियर्स है उसको बनाए रखने में, आपके नेचुरल माइक्रोब्स होते हैं उनको बनाए रखने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्स को श्रिंक कर देगा, बट आपकी जो स्किन बैरियर्स हैं, जो नेचुरल बायोटिक्स होते हैं, उनको बैलेंस करके और मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैं मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर, विटामिन सी सीरम और नायसिनामाइड फॉर माय सिस्टर, विटामिन सी सीरम और ये मरूला ऑयल फॉर मी, ये दोनों प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। मिनिमलिस्ट मेरा इतना फेवरेट है कि सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली मेरे स्किन केयर में जो भी हैं वो मिनिमलिस्ट के ही हैं, क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। मरूला ऑयल मॉइस्चराइजर मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरी ड्राई स्किन है और मुझे ये क्रीम बहुत अच्छे से सूट करती है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, स्टिकी नहीं लगती है, बहुत जल्दी क्विकली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डॉट एंड की वाटर मेलन सुपर ग्लो मैट मॉइस्चराइजर का। इसका रिव्यू मैं अभी दे देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और लगाने पर यह आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ही हाइड्रेटिंग और कूलिंग सेंसेशन देता है, बट आधे घंटे बाद आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची और ड्राई फील करेगी। जिनकी स्किन सुपर ऑयली है उनके लिए तो यह बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर जिनकी स्किन नॉर्मल है या कहते मेरी तरह ड्राई है तो उनके लिए तो ये बेकार है बिल्कुल। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था, उसकी स्किन बेसिकली ऑयली स्किन है। 60 ml ग्लास बॉटल की प्राइस है 421 rupees। इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ मैं, ये थिक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, लगाते ही स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सनस्क्रीन की। इस बार मैंने मंगाया है एक्वालॉजिका का ये डुई सनस्क्रीन की, विच कंटेन पपाया एंड वाइटामिन सी। इट इज़ SPF 50+, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA और UVB। बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, इसकी पैकेजिंग गलती से मैंने फेंक दी है, इसे मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, इससे पहले मैं SPF 50 वाला मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन यूज़ करती थी, बट नाउ दिस वन इज़ माय फेवरेट, कि ये उससे भी जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है और बहुत ही ग्लोई और ड्यूई फिनिश देता है। तो ये मेरा सनस्क्रीन है जो मेरा फेवरेट बन चुका है। इस 50 ग्राम सनस्क्रीन का प्राइस है 351 rupees, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे इस प्रोडक्ट की, जो कि है ये परफ्यूम। मैंने मंगाया है रेने कॉस्मेटिक का ये ब्लूम परफ्यूम। इट इज़ एग्जैक्टली ड्यूप ऑफ कैरोलिन हरारे का जो परफ्यूम है उसका एग्जैक्ट ड्यूप है ये, और इसका प्राइस है 299 rupees। ये 15 ml की बॉटल है, जो कि सफिशियंट है, आप ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 4-5 hours तक ये स्टे ऑन रहती है, लेकिन उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे वैसलीन के साथ ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर स्टे ऑन रहेगी। उसका DIY मैंने आपके साथ शेयर किया है, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने मंगवाई हैं ये दो लिपस्टिक, ये लिप क्रेयॉन्स हैं, एक है स्विस ब्यूटी का और एक है मेबेलिन का। मेबेलिन का प्राइस है 479 का और स्विस ब्यूटी ये जो वाली है इसका है 199। इसका नंबर है पिक्सी पिंक 218 और ये है मेबेलिन सुपर स्टे इंक क्रेयॉन 45 हसल इन हील्स। दोनों ही मैट लिपस्टिक हैं, अनफॉर्चुनेटली जो देखने में मुझे मोबाइल में लग रही थी उनसे अलग ही कलर हैं ये, बट ठीक है मैंने रिटर्न नहीं किए। मैं इनके स्वैशेस दिखा देती हूँ। दोनों ही लिपस्टिक मैट हैं, तो लगाने से पहले लिप्स को अपने मॉइस्चराइज ज़रूर करें। 2-4 प्रोडक्ट्स मैंने और मंगवाए थे, उनका आना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा ये आज का नायका हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, कीप शाइनिंग।